जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बिहार भागलपुर में एक बार फिर दरिंदगी देखने को मिल रही है। 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। यह मामला है बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र का, जो कि बटसार पंचायत के गांजी गांव के एक अधेड़ व्यक्ति, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताया जा रहा है। इस व्यक्ति का नाम दीप नारायण सिंह उर्फ दीपू बताया जा रहा है। यह व्यक्ति रेप कर घर से फरार हो गया है। 5 साल की बच्ची अपने नानी के घर में रहती थी। यह लड़की आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई करने जाती थी। इसी बीच में अधेड़ व्यक्ति दीपनारायण ने इस बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी से रेप कर हालत गंभीर कर दिया, जिसका इलाज सन्हौला के एक निजी क्लिनिक में हो रहा था। इस डॉक्टर का नाम दिलीप कुमार है। इस डॉक्टर साहब को यह भी मालूम नहीं है कि रेप किया हुआ बच्ची का कैसे इलाज किया। क्या इस डॉक्टर ने प्रशासन को सूचना दिया था? अब यह सवाल इस डॉक्टर पर आकर अटक जाती है। ऐसे डॉक्टर पर प्रशासनिक व्यवस्था कड़ी कार्रवाई करें और रेप करने वाले दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जगत न्यूज़ 24 बिहार भागलपुर से आशीष कुमार की खास रिपोर्ट। ये वहाँ पे मौजूद रहे, ये धोरैया थाना है, जो कि वहाँ पे आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं। धोरैया थाना आप देख रहे हैं, जगत न्यूज 24 में हूँ आपके साथ आशीष कुमार। मैं अभी भागलपुर जिले के सनौला थाना क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पे बांका जिला क्षेत्र का धोरैया थाना क्षेत्र का ये मामला था, जहाँ पे एक लड़की 5 साल लड़की के साथ रेप हुआ था, जो कि हम आपको पहले भी ये तस्वीर दिखाए थे। ठीक है, इसके बाद ये रेपिस के जो जिसके साथ रेप हुआ था, हम इसके गांव गए, वहां पे गांव से पता चला कि इसके साथ रेप हुआ है। वहां के गांव ग्रामीण ने भी ये बताया कि वहां के रेप हुआ है। जो वहां के चौकीदार थे, ग्रामीण चौकीदार, ये भी बताया कि रेप हुआ है। लेकिन आप पता ये भी होना चाहिए कि अगर रेप हुआ लड़की के साथ, तो ये अधिकार कौन दिया है जिसके साथ रेप हुआ इनको इलाज करने का। ये आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, दिलीप कुमार, DHMS ऑनर्स, सनौला भागलपुर। आप ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ, इस लड़की का इलाज वहीं पे हुआ है। ये सनौला थाना क्षेत्र के बगल में आता है, जो कि ये दिलीप डॉक्टर हैं। आप ये समझ सकते हैं कि सूत्रों को माने तो ये भी पता चला है कि लड़की का ब्लड बंद नहीं हो रहा था। ब्लड बंद भी कैसे होता, अगर आप 5 साल की लड़की के साथ 55 वर्ष का अधेड़ व्यक्ति अगर रेप करे, तो इसका ब्लड कैसे बंद होगा। लेकिन इनका अगर हम बताते हैं आपको, ये मामला गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि अगर 5 साल लड़की के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है, बिहार में ये सबसे दर्दनाक हादसा हुआ है। रेपिस अभी तक भी फरार है। अगर धोरैया थाना की बात करें, तो धोरैया थाना ये वहाँ के चौकीदार हैं, ये चौकीदार बोल रहे हैं कि धोरैया थाना को कल ही इसकी सूचना मिल गई है। हम नहीं बोल रहे हैं कि इनकी चौकीदार ही बोल रहे हैं, जो कि ग्रामीण चौकीदार हैं गांधी चक्के, यही बता रहे हैं कि वहाँ पे कल ही सूचना मिली थी। लेकिन प्रशासन, धोरैया प्रशासन आ जाए। अब मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 5 साल लड़की के साथ अगर रेप हो, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये डॉक्टर इलाज किए हैं, तो इस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाए कि ये रेपिस जिसके साथ रेप हुआ, इसका इलाज क्यों किए, और प्लस ये प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दिए, इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। हम सिविल सर्जन भागलपुर से भी ये मांग करते हैं, DM साहब से भी मांग करते हैं कि अगर ऐसे अवैध क्लिनिक चल रही है, तो इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। नमस्कार। अब बात करते हैं सुशासन बाबू सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन वहाँ पर अगर बिहार की स्थिति देखें, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं चल रहा। वहाँ पे ये चल रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी को रेप करवाओ, ये योजना चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी, आप भी ये सुन लीजिए, अगर 5 साल लड़की के साथ अगर रेप होता है, तो आपकी प्रशासन चुप्पी साध देती है, बोलता है कि मेरे पास आवेदन आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। अब आवेदन और ऐसे डॉक्टर जो अब चला रहे हैं, जो रेपिस कर रहे हैं, ठीक है, जो रेपिस कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर का जल्द से जल्द क्लिनिक सील किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए ऐसे डॉक्टर पर। हम आपको ये बार बार कह देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली लड़की, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर 5 साल की लड़की जो आंगनबाड़ी में पढ़ती थी, इसके साथ आज रेप हुआ, वो भी बांका जिला धोरैया थाना क्षेत्र के अंदर आता है, जो कि गादीचक ये बस्ती है। लड़की का नानी घर गादीचक पड़ता है और इसका घर बरसार पड़ता है। आप ये समझ सकते हैं क्या मामला है। नमस्कार। बिस्कुट चल नुनू तरफ बिस्कुट देव, हाँ, बिस्कुट बच्चा के इतने अच्छा अवसर बच्चा कत लो, हाँ, 6 साल उम्र है, हाँ। क्या नाम है बच्ची का? वर्षा कुमारी, हाँ। तो हाँ, बिस्कुट देने के बाद फिर क्या हुआ? तो अंदर ले जाए लगे अंदर, हाँ, लगा का बोलके की बचवा पूछलिए, तो बोलके की हमरा
पैंट खोली लेलको गनोनी और मुँह खोली लेलको मुँह चौंक पी देलको देख खूब। अच्छा मतलब लड़की के साथ रेप किया गया है? हाँ। यही ना? हाँ। जो ये हुआ है, जो ये 7 साल का बूढ़ा जो रेप किया है, ये सही है या गलत है? गलत है। तो इसका थाना को सूचना कब मिला था? थाना को इसी दिन मिला, कल ही मिला था। आवेदन पढ़ चुका था थाना को, लेकिन थाना अभी आया, क्या वजह क्या था? नहीं, मामला को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? नहीं, गरीब आदमी है हमारा इलाज, मतलब सामाजिक तौर पर इसको मामला को दबाने के साबित चल रहा था, यही ना? तो आप समझ सकते हैं कि ये वहाँ के ग्रामीण चौकीदार हैं, ठीक है, जो कि आप मामला को जानते हैं और समझते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये चौकीदार हैं, आवेदन कल ही पड़ा था, आप समझ सकते हैं, आवेदन कल ही पड़ा था, लेकिन कार्रवाई आज होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये मीडिया वाले को पता चला, इसके बाद कार्रवाई होना स्टार्ट हुआ, ठीक है।